तो जब शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो चंडीगढ़ को हरियाणा को अलॉट किया गया जी, तो पंजाब ने विरोध किया उस वक्त। अब पंजाब जो विरोध करता है वो कहता है नहीं, चंडीगढ़ हमारा है पूरा का पूरा। वो जब हम पढ़ते थे 1970 में नारा आता था, खेड़ा फुल गुलाब दा चंडीगढ़ पंजाब दा, वो पूरा पंजाब अपना मानता है। जब भी कभी कोई संयुक्त मुद्दा कोई भी आया, SYL का मामला लें जी, आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो गए, बिल्कुल क्लियर कट हो गया, उसके बावजूद पंजाब पानी नहीं देता। पंजाब ये कहता हमारे पास पानी नहीं है, पाकिस्तान चला जाता है। हाँ, पाकिस्तान चला जाता है लेकिन हरियाणा को नहीं देना। तो ये राजनीतिक दल जो है, जो नेशनल इनके लीडर है, वो अपने स्टेट के लीडर्स को, बड़ा मुद्दा और बड़ा सवाल मेरा ये है कि ये अपने स्टेट के लीडर्स को आखिर समझाते क्यों नहीं? आप सीधा सीधा कहिए कि अड़ंगा क्यों पैदा, क्यों अड़ंगा पैदा करते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, और चाहे वो बीजेपी वाले अमित शाह, जेपी नड्डा साहब हो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर एक मुद्दा इस समय बहुत गर्म है। मुद्दा है कि हरियाणा की अलग विधानसभा बनाने के लिए अध्यादेश जारी हो गया, जहां हरियाणा के अंदर, हरियाणा की जनता में, हरियाणा के नेताओं में, सब में खुशी है, तो फिर पंजाब के नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, वो सभी नेताओं के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, यानी कि पंजाब के जो भी राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। आज राज्यपाल से मिले पंजाब के वित्त मंत्री। इस सारे मामले को अगर लेकर के देखा जाए तो पंजाब पर, अगर इस सारे मामले को देखा जाए तो चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का जो हक है उसमें पंजाब बड़े भाई की भूमिका में है, हरियाणा छोटे भाई की भूमिका में है। 60% पंजाब का है, 40% हरियाणा का है, लेकिन हरियाणा के हकों को कई बार से लगातार दरकिनार किया जाता रहा है। कुछ इसी मुद्दे को लेकर, एक तो हरियाणा विधानसभा के लिए जगह अलाट होने का और दूसरा पंजाब के राजनेताओं का हरियाणा का विरोध, इस मुद्दे को लेकर मैं चर्चा में मौजूद हूं। और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, आपका स्वागत है जी। आज बहुत दिन बाद सुरजेवाला जी हमारे स्टूडियो में आए हैं जी। लोग कहेंगे कांग्रेस को हराने के बाद आज मिल रहे हैं। देखिए, लोगों का जो था ना, ये जनमत की बात थी जी। जो लोगों ने फैसला अपने सोच समझ से लिया है उसकी कदर करनी चाहिए जी। तो किसी का हार जीत तो लगी रहती है, जनता के हाथ में, जनता की है, जनता और जनता का फैसला है। जनता जैसा चुने ठीक है, उसका सम्मान भी होना चाहिए। सुरजेवाला जी, हरियाणा के लिए जो पिछले विधानसभा के अध्यक्ष थे ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने बात रखी कि हरियाणा की अलग से विधानसभा हो। ज्ञानचंद गुप्ता तो बेचारे चुनाव हार गए, चले गए, लेकिन उनके जो अब विधानसभा चली जी, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अध्यादेश जारी हो गया जो राजपत्र होता है सरकार का जी, और उसमें हरियाणा के लिए अलग विधानसभा को मंजूरी मिल गई चंडीगढ़ में बनने की जी। साथ में ये कहा गया कि उसके बदले में जमीन चंडीगढ़ प्रशासन को हरियाणा देगा जी, मतलब गिव एंड टेक हुआ। हाँ, कंट्रोल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का है जी, पैसा उस पर जो भी लागत लगेगी वो हरियाणा सरकार लगाएगी जी विधानसभा बनने पर जी। पर पंजाब के नेताओं में आप देख रहे होंगे, तमाम नेता, चाहे वो किसी पार्टी के हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं जी। क्या कारण है विरोध कर रहे हैं? देखिए, आप अगर इसके थोड़ा सा अतीत में जाएं तो जब शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो चंडीगढ़ को हरियाणा को अलॉट किया गया था जी, तो पंजाब ने विरोध किया उस वक्त, और हरियाणा में बड़ा विरोध चला और कई बच्चों की जान भी, जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से। हाँ नहीं, उसके बाद, उसके बाद जी, ये बात है 1970 जी। तो चंडीगढ़ का जब मसला हुआ तो काफ़ी जो है ना अफरा तफरी हुई, जींद में 8 बसों को भी जला दिया था बच्चों ने जी, तो काफ़ी कुछ हुआ। अल्टीमेटली वो पंजाब को दे दिया, और उसके एवज में चंडीगढ़ के खरड़ और चंडीगढ़ का जो इलाका था, जो हिंदी भाषा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का जो विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, अलग राज्य का पुनर्गठन जी, विभाजन नहीं कहिए इसको, पुनर्गठन हुआ जी। तो उस वक्त खरड़ का इलाका और चंडीगढ़ चूंकि हिंदी भाषी थे तो हरियाणा को मिला था। उसके बाद फिर शाह कमीशन की रिपोर्ट के बाद फिर केंद्र ने फैसला हुआ पंजाब को देखते हुए कि अबोर फाजिल का हरियाणा को और ये पंजाब को। बड़ा नारा सुनते थे, चौधरी देवीलाल की संघर्ष समिति थी 1984-85 के दौरान में जी, एक नारा चलता था अबोर फाजिल का हमारा है, चंडीगढ़ भी सारा है। तो फिर वो एक, वो भी नहीं मिल पाया हरियाणा को, क्योंकि
उसमें ये था कि अबोर फाजिल का जो इलाका था वो हरियाणा से टच नहीं कर रहा था। कंदू खेड़ा एक ऐसा गांव था बीच में जी, जो पंजाब में था। हाँ जी, इधर कंदू खेड़ा बीच में आ गया, इधर हरियाणा, उधर अबोर फाजिल का। फिर ये फैसला हुआ कि गलियारा दिया जाएगा एक पानी के लिए, 5 किलोमीटर नहीं नहीं उसको, अच्छा हाँ, कॉरिडोर बनाया जाएगा, कॉरिडोर गलियारा। हाँ जी हाँ, ताकि हरियाणा अपना वहां जा सके जी, उसको बाईपास करके कंदू खेड़ा को। हाँ हाँ, वो भी नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। और फिर ये हुआ कि भाई चंडीगढ़ का बंटवारा कर दिया, 60% पंजाब को, 40% हरियाणा को। हाँ जी, आप देखते होंगे डीसी हरियाणा का होता है। हाँ, ज्यादातर नहीं नहीं, वो बारी 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 से। अगर डिप्टी कमिश्नर हरियाणा कार्डर का है तो होम सेक्रेटरी पंजाब का होगा, अगर वो है तो वाइस वर्सा। हाँ हाँ हाँ। और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं सेक्रेटरीट की जो बिल्डिंग है उसमें भी 60% हिस्सा जो है ना पंजाब का है और 40%। अब आ जाती है विधानसभा जी, तो विधानसभा का जो पुराना हमारा विधानसभा का जो है उसमें जो मेन जो बिल्डिंग थी जहां विधानसभा होती थी वो पंजाब के हिस्से में चला गया, चूंकि 60% में बड़ा है जी। जो विधान परिषद का जो हॉल था, यानी कि जब संयुक्त पंजाब था, हाँ हरियाणा दो सदन थे ना, विधान परिषद और विधान परिषद, तो नेचुरल है विधान सभा का बड़ा था हॉल और ये छोटा परिषद का छोटा था। तो विधान परिषद का जो हॉल था वो हरियाणा को मिला, वो हरियाणा की विधानसभा बन गई, वो बन गई। अब आ जाता है कि हरियाणा के अंदर अब ये डिलिमिटेशन होने जा रही होना है बिल्कुल, अब ये 90 विधायक है। हाँ हाँ, और इससे पहले ये जब हरियाणा बना तो 60 MLA थे, फिर जो पहला चुनाव हुआ 81 81 से बढ़ा करके अब 90 हुए, फिर 90 हुए। अब ये सुनने में आ रहा है कि 126 हो जाएंगे जी, तो ये सदन तो वाकई छोटा है जी। फिर बिल्डिंग भी पुरानी है, बिल्डिंग तो चलिए ये अभी पुरानी भी ठीक है, अभी उसको तो दोष नहीं दे सकते, वो तो अभी मैं तो ये कहता हूँ कि जो नई बिल्डिंग बननी है उनसे जो पुरानी बिल्डिंग है वो ज्यादा मजबूत है जी। मैं देखता हूँ गाँव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल के कमरे वो 5 साल में तो खंडर हो जाते हैं, और पुराने और जो पुराने 50 साल आप देखिए, पुराने रेस्ट हाउस देख लीजिए, ठीक बात है बिल्कुल, उनका म्याद ज्यादा है, पुल देख लीजिएगा। खैर ये अलग विषय, अलग विषय बिल्कुल जी। अब आ जाता है सवाल के बिल्डिंग अलग बने, मेन तो मुद्दे पे आते जी, तो रिक्वायरमेंट तो है हरियाणा जी, अब हरियाणा चाहता है कि अपने अलग से हो, और उसके पीछे एक और भी कारण है, जब संसद का नया भवन बन गया जी तो नेचुरल है कि हरियाणा की भी एक ये मन में एक ये भावना जगह उमंग आती है, उलार आती है, हमें भी हमारा घर भी बड़ा हो। हाँ, अभी वो छोटा भी है नेचुरल, मैंने कई बार ऑफिशियली भी अटेंड किया है विधानसभा के सत्र, और वैसे भी प्राइवेटली भी, तो वाकई वो छोटा है जी, तो रिक्वायरमेंट तो है। अब हरियाणा चाहता है उसके लिए, जैसा आपने कहा नोटिफिकेशन हो गया है, सेंटर ने कर दिया है, अब कंट्रोल जो है वो पंजाब नहीं सॉरी वो यूनियन टेरिटरी होने के नाते चंडीगढ़ प्रशासन का है, तो जमीन का अलॉट करना और करना तो वो वहां से ही चलेगा जी। अब पंजाब जो विरोध करता है वो कहता है नहीं, चंडीगढ़ हमारा है पूरा का पूरा। वो जब हम पढ़ते थे 1970 में नारा आता था, खेड़ा फुल गुलाब दा चंडीगढ़ पंजाब दा, वो पूरा पंजाब अपना मानता है। तो हरियाणा कहता है भी हमारा क्लेम है जी, बेसिकली हमें मिला था, 40% भी हमसे छीन रहा है। तो पंजाब ये नहीं चाहता कि चंडीगढ़ में हरियाणा का कोई और बिल्डिंग बने या इसमें कोई इनको हिस्सा दे, तो ये पंजाब का विरोध का कारण। दोबारा विधानसभा पे आते हैं अभी, विधानसभा भवन पे, जब भी कभी कोई संयुक्त मुद्दा कोई भी आया, SYL का मामला लें जी, आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो गए, बिल्कुल क्लियर कट क्लियर हो गया, उसके बावजूद पंजाब पानी नहीं देता। पंजाब ये कहता है हमारे पास पानी नहीं है, पाकिस्तान चला जाता है। हाँ, पाकिस्तान चला जाता है, लेकिन हरियाणा को नहीं देना। नहीं देखिए, हरियाणा की सरकारें हमेशा कहती हैं, चाहे आज नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, मैं उनका सुन रहा था आज जी, वो कह रहे थे कि पंजाब बड़ा भाई है, हम छोटे हैं, वो बड़े का हक अदा करें। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का एक हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है, मैं पंजाब के नेताओं को ये कहना चाहूंगा, देखिए भाई हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं आप? पहले ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करते हुए पहले आपने हमारे SYL को रोक दिया,
SYL का पानी हमें मिलना था। अरे लोग देना चाहते हैं, पंजाब के लोग हमारे आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उनको पानी मिलना चाहिए। इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी आका है, आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है। भाई मैं भगवंत मान को कहना चाहूंगा कि तू वहां के किसानों की फसल तो खरीद लेता, तो फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा, उनको MSP नहीं दे रहा, तू इस प्रकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है कि वहां हम विधानसभा नहीं बनने देंगे। क्यों भाई, हमारा हक नहीं है क्या यहाँ पे? हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। आप इस प्रकार की बात, मैं वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वहां के किसान के हित में आप कदम उठाइए, अच्छा लगेगा हमें भी, हम भी आपसे कुछ ना कुछ पता लगे भी पंजाब के किसान के लिए उनकी फसल MSP पर खरीदी है, उनको कोई मुआवजा दिया है। ये इस प्रकार की बात करिए, ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं कि भाई हमने पानी रोक दिया, हमने उनको विधानसभा नहीं बनने देंगे, ये क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है भाई, समझदारी से काम लेना चाहिए। हमारे भाई हैं किसान के, अरे हम छोटे भाई हैं, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं। वहां के लोग प्यार करते हैं हरियाणा के लोगों से, क्योंकि अगर अलग हुए हैं कोई दिक्कत थोड़ी हुई है, अलग हुए हैं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी है कि रास्ते बंद कर देंगे या अपनी घटिया राजनीति को उसके अंदर घसीट रहे हैं। अरे भगवंत मान, पंजाब की स्थिति को ठीक कर, वहां की जो स्थिति खराब हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे, आप हमारी चिंता मत कर इधर की। हरियाणा हमेशा कहता है कि हम छोटे भाई हैं, बिल्कुल है भी। पंजाब को हमेशा कहता है कि आप बड़े भाई हो। बड़ा भाई तो है हमेशा। हरियाणा जो होता है वो फरियाद की मुद्रा में होता है कि भाई हमारा हक हमें दे दो, ठीक, मांगने की, मांगने की मुद्रा है, बड़ा भाई देने की उसमें आना चाहिए, बड़ा भाई देने में। लेकिन बड़े भाई हमेशा होते हैं नहीं, नहीं हमेशा तो नहीं होते हर बात पे, बट इस मामले में पंजाब का है कुछ हद तक। पंजाब SYL का मामला देखो आप, हमेशा पंजाब का अड़ियल रुख रहा। आपने कहा बिल्कुल कि पंजाब का पानी हरियाणा का जो देश का पानी है वो पाकिस्तान तो चला जाए, नहीं रावी ब्यास के पानी को हरियाणा में नहीं आने देते। ऐसा है कि पंजाब में पानी की कमी तो पंजाब में भी है, ठीक है, नो डाउट। वो ये कहते हैं, ये नहीं है कि वो भले पाकिस्तान में जाए, ये तो हमारी सोच है। पाकिस्तान में तो जा रहा है, जनता तो यही समझती है ना जी, जनता यही समझ रही है पाकिस्तान में जा रहा है। हाँ। क्योंकि चार जो नदियां हैं, रावी, चुनाब, झेलम, ब्यास, उनका उद्गम जो है, ओरिजिन जो है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह लीजिए या कश्मीर जो उनके बाटे में है वहां से है, और वो इंटरनेशनल इश्यूज है और वो पाकिस्तान में जाने का कारण है या सरकार। अब मोदी जी ने एक बार सिरसा में कहा था कि हम कुछ समय के बाद वो पानी वापस लेंगे, हो सकता है कोई मजबूरी रही हो या कोई इंटरनेशनल इश्यू हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा वो पूरा नहीं हो पाया, कोई ना कोई तो वजह है। ऐसा नहीं है कि भी पंजाब ही दोषी हो। अब आ जाता है कि भी वो पंजाब कहता हमारे पास ऑलरेडी पानी की कमी है तो हम कहाँ से दें। लेकिन वो बात आपकी भी ठीक है कि दो भाई हैं तो मिल बांट के ले लो, अब एक ज्यादा बुरी स्थिति में है, एक ठीक ठीक है, थोड़ा सा नरमी तो पंजाब को बरतनी चाहिए, बरतनी चाहिए। हाँ। अभी सुरजेवाला जी इलेक्शन हुआ जी हरियाणा के अंदर विधानसभा का, जी जी, बीजेपी भी लड़ी जी, कांग्रेस भी लड़ी, आम आदमी पार्टी भी लड़ी जी। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं सरदार भगवंत मान जी, खूब उन्होंने सभाएं की हरियाणा के अंदर। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के जाखड़ साहब जी, उन्होंने भी हरियाणा में एक आधा प्रोग्राम किया। हाँ। कांग्रेस के जो राजा वाडिंग है वो भी हरियाणा में आए जी। अब ये तीनों बड़े नेता हैं वहाँ के, तीनों ही पार्टियां वहां पर विरोध कर रही हैं। ये तो पहले भी हुआ है, आप ये देखिए कि अमरेंद्र सिंह थे और बादल साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो कैप्टन अमरेंद्र कांग्रेस के वो थे प्रेसिडेंट, उन्होंने भी दोनों ने मिलकर विरोध किया था और विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करवाया था जिसमें हरियाणा के खिलाफ कैप्टन अमरेंद्र सिंह भी उसमें शामिल थे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ये मतलब दिखाती के दांत खाने के और कुछ दिखाने के, और हरियाणा की जनता से अगर वोट मांग रहे हैं, भगवंत मान आ रहे थे
देखिए वो तो अरविंद केजरीवाल जी, हाँ अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं मैं हरियाणा का हूँ, और इस चुनाव में कहा कि मैं हरियाणा का हूँ, बिल्कुल मेरे से ये रखिए। और उससे पहले जब अरविंद केजरीवाल के बाद में दिल्ली का चुनाव था, नहीं नहीं इससे जुड़ा हुआ है, जब दिल्ली का चुनाव था तो वो साफ साफ कहते थे कि हरियाणा हमें पानी नहीं देता, हरियाणा हमारे साथ यूं जाति कर रहा है, हरियाणा हमारे साथ यूं जाति कर रहा है। तो जब वोट लेने के लिए मैं हरियाणा का हूँ, ये तो दोनों हरियाणा में वोट मांगने, मैं भाई कह रहा हूँ ये आम आदमी पार्टी के नेता, खासकर मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनकी सरकार है पंजाब में आज, और पंजाब की सरकार का मेन राइट तो पंजाब की सरकार का रहेगा, सरकारी फैसले क्या करती है हमेशा, और सरकार सबसे पहले आज जो वहां के वित्त मंत्री है मिस्टर चीमा जी, हरियाणा के वो प्रभारी थे चुनाव में, तीन डिस्ट्रिक्ट उनके पास थे जी, और अब जाके सबसे पहले अपने पंजाब के जो राज्यपाल के पास जाके बैठ गए, भाई जमीन नहीं देने देंगे हम बिल्कुल भी, चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाके बैठे। SYL का मुद्दे से इस मुद्दे में थोड़ा सा अंतर है, SYL तो चलिए वो कहते हैं हमारे पास पानी सरप्लस नहीं है, हम कहां से दें, एक सेकेंड, लेकिन चंडीगढ़ में एक भवन जैसे आज भी है भाई, 40% हमारा हक है, आप सुखना लेक के पास तो हरियाणा ही शुरू हो जाता है, इधर कहीं आसपास जमीन हमें, एक बड़ा सिंपल है कि 145 एकड़ शायद जमीन कही गई है, वो हरियाणा को विधानसभा भवन बनेगा सकेतड़ी के पास, और हरियाणा देगा चंडीगढ़ प्रशासन को, मतलब जमीन, ये तो सरकारों में वैसे भी हुआ करता है जी, जमीनों की अदला बदली करना उसके अंदर किसी कभी, ये तो शहरों में गांव में देहात में प्लॉट की एक्सचेंज एग्रीकल्चर लैंड की सरकार भी पर्सनल प्रॉपर्टी में सब कुछ हुआ करता, सब लोग किया करता, तब्दीलियां होती, लेकिन इतना विरोध इस तरीके से जा करके, बस उनका यही है कि भी पंजाब ये कहता है हम चंडीगढ़ नहीं छोड़ेंगे, हमारी नाक बाल का सवाल है और वो एक मुद्दा खाम खा का है, अगर बन जाए तो क्या दिक्कत है पंजाब को, बिल्कुल पानी में तो ठीक है, ठीक चलिए पानी, अब मान लिया कि चलो आप उसको नुकसान हो सकता है, आप लड़ाई लड़ रहे हो भाई, पानी उनका जाएगा थोड़ा बहुत नुकसान उनका, हमारे कुछ नहीं, देश में न्याय लोकतंत्र कानून मर्यादा संविधान सब कुछ सबसे ऊपर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुदाई नहर के लिए सारे ऑर्डर केंद्र सरकार के जिम्मे लगा दिया और टाइम बाउंड कर दिया करो कि दोनों स्टेट नहीं केंद्र सरकार बनाएगी, हाँ उनका जिम्मा होगा, लेकिन हालात नहीं है, मतलब ये लगता है कि जैसे ये जो सरकारें हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये चाहती नहीं कि मुद्दे कभी सुलझे, हट धार्मिकता कह लीजिए, अब देखिए कावेरी का इश्यू जो था, जमीन का मामला विधानसभा के लिए दें, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिसूचना जारी हुई, राजपत्र जारी हुआ, देश के जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी, उन्होंने उनकी अनुशंसा पर ये बात सारी चली, उस बात की कदर होनी चाहिए, तो वो फैसला है, तो ये राजनीतिक दल जो है जो नेशनल इनके लीडर है वो अपने स्टेट के लीडर्स को, बड़ा मुद्दा और बड़ा सवाल मेरा ये है कि ये अपने स्टेट के लीडर्स को आखिर समझाते क्यों नहीं, आप सीधा सीधा कहिए कि अड़ंगा क्यों पैदा, क्यों अड़ंगा पैदा करते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, और चाहे वो बीजेपी वाले अमित शाह और जेपी नड्डा साहब हो, अगर हरियाणा के राइट्स हरियाणा को मिलने चाहिए तो मिलने चाहिए रही है, जब विपक्ष में कोई दल होता था तो वो कोसता था कि भाई सरकार ऊपर और नीचे नहीं है, कई बार ऐसे मामले आए कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी थी, हरियाणा में चौधरी देवीलाल CM थे और उन्हीं के मन मुताबिक बादल थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी NDA की थी, ऐसा मौका भी था, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में, पंजाब में अमरिंदर सिंह, और हरियाणा में चौधरी भजन लाल की सरकार, हुड्डा साहब की सरकार थी, और सेंटर में बीजेपी कांग्रेस थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह, बहुत सारे मौके हुए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है विधानसभा कावेरी का इश्यू था, हाँ जी, तमिलनाडु और कर्नाटक सालों साल वहाँ भी ऐसे लड़ते रहे और बहुत सालों के बाद जाके, तो ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स और हैं इसमें फर्मनेस चाहिए, काश की कोई सरदार पटेल जैसे हों जिन्होंने एक ऐसा रूपरेखा तैयार कर दी थी देश के अंदर, हो सकता है अमित शाह, आखिरी सवाल, हो सकता है अमित शाह जी वो रोल अदा कर रहे हैं उस बात पे, भाई उनसे उम्मीद करते हैं कि वो बड़े कर्मठ हैं और बड़े उनका है विजन, हो सकता है कि वो इस जैसे सरदार, जैसे सरदार साहब ने तो इंटरनेशनल मुद्दे और जो फिर उस टाइम राजे रजवाड़े थे, रियासतें थी, सब छुलसा दी, तो हम भी उम्मीद करते हैं काश कि हमारे अमित शाह जी वो सरदार पटेल साहब की भूमिका में हो, भूमिका में अपना हरियाणा की जो विधानसभा अदा करें और हरियाणा को न्याय न्याय मिले, हरियाणा को न्याय मिले, काश
एक बार फिर सरदार पटेल हों, और शायद सरदार पटेल की भूमिका, कह रहे हैं सुरजेवाला जी कि सरदार पटेल की भूमिका में देश के गृह मंत्री, क्योंकि वो भी गृह मंत्री थे और ये भी गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह निभाएं, और हरियाणा के लिए जो करार हुआ है, वादा हुआ है, हरियाणा के लिए जो राजपत्र जारी हुआ है हरियाणा के अलग विधानसभा का, वो साकार हो, हरियाणा और पंजाब के जो उलझे हुए मसले हैं वो सभी सुलझें, और इसमें पंजाब को कोई नुकसान नहीं, पंजाब कोई नुकसान है नहीं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अद्भुत उदाहरण पेश हो इन सरकारों को, और हरियाणा का हक है, हरियाणा का हक हरियाणा को मिले, जो कठिनाई पेश आ रही है वहां पे विधानसभा छोटा पड़ेगा जी। तो संभवतः ये मामला, वैसे क्या लगता है आपको सुरजेवाला जी की, ये आशा करनी चाहिए हमें सुलझ जाए, उम्मीद करनी चाहिए कि हरियाणा का ये वाला मामला सुलझेगा, और जिस प्रकार हरियाणा के तमाम नेता चाहे पक्ष विपक्ष के इस विधानसभा के मुद्दे को लेकर के सब एक सर, हैं, सभी एकजुट रहेंगे और पंजाब के साथ भी सौहार्दपूर्ण माहौल में रखेंगे, और पंजाब भी अपने बड़े भाई की भूमिका में, और देश के गृह मंत्री जिनके पास सारे दायित्व हैं वो एक अलग भूमिका में नजर आएंगे, जिससे कि हरियाणा को हरियाणा के हक मिलेंगे। आप हमारी इन बातों से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।